बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, बल्कि कांग्रेस भाजपा से कम नहीं है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट के उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी ने डरा धमका कर बैठा दिया है, किंतु कांग्रेस से भाजपा से बसपा डरने वाली नहीं है। बसपा अपने चुनाव चिन्ह पर वहीं से लड़कर इसका जवाब देगी तथा कांग्रेस के समर्थन जारी रखने पर भी पुनः विचार करेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा से कम और बसपा से अधिक लड़ने का काम कर रही है। बसपा प्रमुख से कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भाजपा पर तो काफी मेहरबान है, परंतु बसपा के लोगों पर फर्जी मुकदमे कराने के अलावा हर प्रकार से डराया धमकाया जा रहा है। कांग्रेस राज्य में बसपा पार्टी के कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस अपने दोहरे चेहरे पर बात कर रही है, जबकि वहां पर बसपा ने भाजपा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना पुराना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में खास तौर से गुना के लोगों से अपील है कि वे अपने मिशन के तहत वहां उम्मीदवार के गैर मौजूदगी में भी अपनी पार्टी के हाथी चुनाव हाथी पर ही बटन दबाएं और अपनी पार्टी को ही वोट करें। मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी नेता ये प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा भले ही जीत जाए किंतु बसपा सपा गठबंधन को नहीं जीतना चाहिए। क्या ये दोगलापन नहीं है? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।